हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। एंड दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट क्वांट स्ट्रेटजी फॉर 2024। जितने भी बच्चे 2024 के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए यहाँ पर हम लोग क्वांट की कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे कि 2024 में आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि क्वांट का जो वेटेज होता है वो कितना होता है और किस तरीके से हम इस सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं, मतलब हमको कोई भी दिक्कत ना हो इस सब्जेक्ट में। अभी से अगर सर तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो क्या इस सब्जेक्ट में कमांड की जा सकती है, तो उस पर सारी चीजों पर हम लोग वन बाय वन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज के बारे में, कितनी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को 2024 में देखने को मिलने वाली है। तो SBI PO, IBPS PO, RRB PO, SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क, RBI ग्रेड बी, RBI असिस्टेंट, NISCL AAO, NISCL असिस्टेंट, LIC, LIC असिस्टेंट, NABARD, FCI, ये वो वैकेंसीज है जो हर साल देखने को मिलती है और यहाँ पर आप लोगों को क्वांट सब्जेक्ट देखने को मिलता ही है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात की जाए तो क्वांट का जो वेटेज होता है दोस्तों वो 35 मार्क्स तक रहता है, किसी किसी एग्जाम में 40 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स रहता है। मेंस की बात की जाए तो 35 से 50 मार्क्स तक आप लोगों को मेंस में भी मैथ्स देखने को मिलता है, क्वांट देखने को मिलता है। अब सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि क्वांट का एक्चुअल सिलेबस होता क्या है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जामिनेशन में। तो सिलेबस की दोस्तों अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम लोगों को कमांड करनी होती है कैलकुलेशन टेक्निक्स के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को 20 मिनट का टाइम मिलता है और 20 मिनट में 35 क्वेश्चन कंप्लीट करते होते हैं प्रीलिम्स में, तो आपकी डेफिनेटली कैलकुलेशन पे कमांड तो होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसका यूज किया जाता है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर, क्वाड्रेटिक, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, प्रॉब्लम ऑन एजेस, एवरेज, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल, कंपाउंड, स्पिन टाइप एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेंड, बोट, मेंसुरेशन, 2D फिगर, 3D फिगर एंड परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस होता है बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, मैथ्स का या फिर बोल सकते हैं क्वांट का। दोस्तों यहाँ पर ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं रहता है जो आप लोगों को स्किप करना होता है, मतलब अगर आज की डेट के कॉम्पिटिशन को देखा जाए तो कोई भी चैप्टर हम लोग स्किप नहीं कर सकते, सारे ही चैप्टर को कंप्लीट करना होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हम लोगों के पास टाइम है इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने का, प्रैक्टिस करने का, रिविजन करने का। अब दोस्तों एग्जामिनेशन में जो क्वांट आता है, जैसे इस बार बहुत से बच्चों ने SBI PO का एग्जामिनेशन दिया है, तो पेपर में कुछ पार्ट थोड़ा सा स्कोरिंग दिखता है जो इजी होता है, कुछ पार्ट थोड़ा सा मॉडरेट होता है और कुछ पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसी तरीके से तीन पार्ट में मैंने सेग्रीगेट किया है हमारे सब्जेक्ट को। सबसे पहले बात करेंगे स्कोरिंग पार्ट की। अच्छा, स्कोरिंग पार्ट पर बात करने से पहले बात करते हैं सर एक्सपेक्टेड पेपर क्या हो सकता है, मतलब जितने भी एग्जामिनेशन हमने देखे हैं सारे एग्जामिनेशन में क्वांट पूछा जाना है और क्वांट का जो एक्सपेक्टेड पेपर हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो पेपर की अगर बात की जाए सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे नंबर सीरीज की। नंबर सीरीज दो तरीके से पूछी जाती है, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज। नंबर ऑफ क्वेश्चन 5 रहेंगे, या तो मिसिंग नंबर सीरीज रहेगा या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज रहेगा। नेक्स्ट बात की जाए सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। सिंप्लीफिकेशन के क्लरिकल एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े बढ़ जाते हैं, 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं, बट वहीं पर अगर पीओ की बात की जाए तो पीओ में सिंप्लीफिकेशन कम, अप्रोक्सीमेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगली बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन, जो कि आपको पीओ लेवल में ज्यादातर देखने को मिलते हैं, हालांकि क्लर्क में भी अप्रोक्सीमेशन के सवाल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 5 सवाल एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और हम लोगों का जो टारगेट होता है ये 5 सवालों को 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना होता है। 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इन 2 मिनट आप लोगों को कंप्लीट करने होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक के चैप्टर्स मैंने अभी आपको बताए थे, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन एजेस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, सारे चैप्टर्स आप लोगों को अर्थमेटिक में कवर करने होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डाटा सफिशिएंसी की।
दोस्तों पीयू एग्जामिनेशन में डीएस एंड कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी के सवाल पूछे जा रहे हैं। डाटा सफिशिएंसी में होता क्या है सर, दो स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे या फिर तीन स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, एक सवाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन से स्टेटमेंट से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलर कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी की अगर बात की जाए, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी में भी यही रहता है, सी ओ क्यू का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी। यहां पर आप लोगों को दो या तीन क्वांटिटी दे दी जाती है और उनके बीच में कंपैरिजन करना होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन। डीआई का जो वेटेज होता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो 30% तक का वेटेज होता है डीआई का, और मेंस एग्जामिनेशन में मोर देन 50% जो वेटेज होता है वो डाटा इंटरप्रिटेशन का रहता है। हम मेंस के एक्सपेक्टेड पेपर की भी बात करेंगे आगे, बट सर ये हम लोगों का प्रीलिम्स का कंप्लीट पेपर रहता है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि तीन पार्ट में डिवाइड करना है हम लोगों को मैथ्स को, एक होता है स्कोरिंग पार्ट, एक होता है थोड़ा सा मॉडरेट लेवल, एक होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल। स्कोरिंग पार्ट की बात की जाए तो ये आपका स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है जो रहेगा सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चार टॉपिक वो होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं हम लोगों के लिए। अब इसमें कमांड करनी है आप लोगों को तो पहले डिटेल में सारी चीजों को पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन की क्या क्या टेक्निक्स होती है, कैसे सिंप्लीफाई फास्ट किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है, लाइक यूनिट प्लेस मेथड का कई बार हम लोग यूज करते हैं, लाइक कई बार डिविजिबिलिटी मेथड का यूज करते हैं, डिजिटल सम मेथड भी होता है जिसका यूज हमको नहीं करना होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन में क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे सवालों को फास्ट किया जाता है, ये आपको सीखना होता है। नंबर सीरीज की बात की जाए तो जितने भी पैटर्न अब तक आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछे गए सारे पैटर्न के ऊपर अगर हम लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो नंबर सीरीज में भी स्कोर फुल आउट ऑफ फुल किया जा सकता है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों आप लोगों को बस ठीक से इस चैप्टर को पढ़ना होता है, प्रैक्टिस करना होता है, डेफिनेटली यहां पर आप स्कोर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा स्कोरिंग पार्ट। इसके लिए आप लोगों को एक बार सारी चीजों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होती है और पढ़ने के बाद रेगुलर बेसिस पर आप लोगों को प्रैक्टिस करना होता है। कई बार हम लोगों को लगता है कि सर सिंप्लीफिकेशन तो बन जाएगा, अप्रोक्सीमेशन तो बन जाएगा, बट एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं हो पाता है। रीजन कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। देखिए, अगर आप एग्जामिनेशन में यहां पर फुल स्कोर करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे 5 से 10 क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस करना है, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, अप्रोक्सीमेशन हो, नंबर सीरीज हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ना हो। अच्छा, इन टॉपिक पर अगर आप स्पीड करना चाहते हैं, मतलब कमांड करना चाहते हैं कि सर बहुत जल्दी बन जाए, आप लोगों को अप टू 50 तक स्क्वायर, 50 तक स्क्वायर ओरली याद करने हैं एंड 20 तक क्यूब याद करने हैं। अगर स्क्वायर और क्यूब याद कर लिया तो आधा काम तो आपका यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं अर्थमेटिक के बारे में। तो अर्थमेटिक वाला जो पार्ट होता है इसको थोड़ा सा मॉडरेट लेवल में रखते हैं, हालांकि अर्थमेटिक के जो सवाल एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और उस 10 से 15 क्वेश्चन में आप लोगों को कुछ सवाल बहुत ईजी लेवल के भी देखने को मिलते हैं, कुछ मॉडरेट भी होते हैं, कुछ डिफिकल्ट भी होते हैं। अब दोस्तों ये नहीं बोला जा सकता है कि सर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इजी होगा या डिफिकल्ट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन इजी होगा डिफिकल्ट होगा, ये डिपेंड करता है एग्जामिनेशन में। मे भी हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन एकदम आसान पूछ लिया जाए, या ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ लिया जाए, तो उस केस में आप लोगों को स्किप करते आना चाहिए कौन से सवाल को हमको बनाना है, कौन से सवाल को नहीं करना है। ये भी एक आर्ट है जो आपको सीखना है बैंकिंग एग्जामिनेशन में। आप ये कभी नहीं कह सकते कि सर अगर मैंने टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो 110% टाइम एंड वर्क का सवाल एग्जामिनेशन में बनाकर ही आ जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना कि टाइम जब कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, दिमाग में एक प्रेशर होता है, और अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ट्रिकी दे दिया, घुमाकर दे दिया जाता है, तो हम पूरा घूम जाते हैं और वो सवाल नहीं बनता है। और जब सवाल नहीं बनता और हम बार बार ट्राई करते हैं सवाल बनाने का, तो टाइम निकल जाता है, और टाइम निकल जाता है तो अटेम्प्ट कम होते हैं, अटेम्प्ट कम होते हैं तो स्कोर कम होता है, स्कोर कम होता है तो क्वालिफाई नहीं होता है, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए हमको फिर से तैयार करना पड़ता है। तो बेटर है कि इन चीजों के ऊपर भी फोकस करेंगे, मतलब सब्जेक्ट पे कमांड करना एक अलग चीज होती है और एग्जामिनेशन में परफॉर्म करना एक अलग चीज होती है, आपको दोनों चीजें साथ में प्रैक्टिस करनी होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन की। तो डीआई में
प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 से 3 डीआई देखने को मिलते हैं। प्रीलिम्स की बात करेंगे तो 2 से 3 डीआई आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब आइदर वो लाइन ग्राफ हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, टेबुलर हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, या फिर कैसलेट डीआई भी हो सकता है। कैसलेट में दोस्तों आप लोगों को एक पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और आपसे भी सवाल पूछे जाते हैं, मतलब वहां पर आप लोगों का फ्रेमिंग वाला रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सर इस सब्जेक्ट को 1 महीने में कंप्लीट कर लिया जाए, 2 महीने में कंप्लीट कर लिया जाए। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाते हैं, चीजों को क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस करते जाते हैं, डेफिनेटली सब्जेक्ट पर कमांड बनती है। स्पीड की बात की जाए तो स्पीड भी 1 या 2 दिन में नहीं बनती है दोस्तों, रेगुलर कंसिस्टेंट मेहनत करनी होती है तब जाकर आप स्पीड बना पाते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं, ये तो हम लोगों ने बात कर ली प्रीलिम्स के बारे में, अब बात करते हैं मेंस का जो पेपर होता है वो कैसा होता है। मेंस एग्जामिनेशन में नंबर सीरीज देखने को मिलती है, बट नंबर सीरीज का जो वेटेज होता है थोड़ा कम हो जाता है, मतलब 5 सवाल नहीं 2 से 3 क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं, बट हाँ क्लर्क मेंस का पेपर होता है तो वहां पर 5 नंबर तक क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन की। अप्रोक्सीमेशन की आपको पीओ पेपर होगा तो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बट क्लर्क में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सिमिलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैटर्न और लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अर्थमेटिक की अगेन बात की जाए तो वेरिएबल बेस्ड अर्थमेटिक आजकल बैंकिंग एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इन मेंस, मतलब सिंपल से आपको नंबर ना देकर वेरिएबल बेस्ड सवाल दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए तो अगला होता है डाटा सफिशिएंसी। लाइक प्रीलिम्स में 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मेंस में आपके 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड अगला है कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटी COQ। नेक्स्ट होता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड द नेक्स्ट वन इज अर्थमेटिक बेस्ड DI, मतलब अर्थमेटिक के जो चैप्टर्स आप लोगों ने कंप्लीट किए होते हैं लाइक प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया, बूट एंड स्ट्रीम हो गया, पार्टनरशिप हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, इन चैप्टर्स से DI निकल कर आ जाते हैं। अब यहां पर कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट अप्रोच लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सारी चीजें मिक्स कर दी जाती है, और अगर ये सारी चीजों पर आपकी कमांड होगी तभी आप इस सवाल को बना पाएंगे। ठीक है, तो प्रीलिम्स सिखाता है आप लोगों को कैसे सवालों को तेजी से करना है, और मेंस आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है आप कितने कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग है, कितनी अप्रोच आपकी स्ट्रांग है, कितना कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग है, ये सारी चीजें आप लोगों को मेंस में देखने को मिलती है। अब दोस्तों अगर आप जैसा मैंने आपको बताया कि इस सब्जेक्ट पर टोटल कमांड करना चाहते हैं तो एक प्रॉपर तरीके से सारी चीजों को आपको एक बार पढ़ना होगा, कंप्लीट करना होगा, पूरी बेसिक से लेकर एडवांस तक चीजों को कंप्लीट कर लेंगे। अब कंफ्यूजन सबसे बड़ा ये होता है सर इतनी सारी किताबें हैं, कौन सी किताबें ले, कौन सी किताब से पढ़ना चाहिए। आज की डेट में स्टूडेंट इसी को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, मतलब हम लोग जो अपने पास किताबें रखते हैं हमको वो किताबें अच्छी नहीं लगती, अपने दोस्त की किताबें ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप लोगों को ना किताबों के पीछे नहीं जाना है, बैंकिंग एग्जामिनेशन में तो बिल्कुल नहीं जाना है, एक बार प्रॉपर तरीके से आपको सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करना होता है। सिलेबस आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको मॉक टेस्ट पर फोकस करना होता है एज कंपेयर टू कोई किताब, बुक वगैरह से प्रैक्टिस नहीं करना है। आप लोग ना मॉक टेस्ट करेंगे और आजकल आपको इतना सारा कॉन्टेंट मिल जाता है, आप बैंकिंग वाला जो हमारा वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको फिजिक्स वाला वेब पर जाना है, फिजिक्स वाला में आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है बैंकिंग, और बैंकिंग कैटेगरी में जब जाएंगे लाइब्रेरी सेक्शन में जाएंगे तो आपको लाइब्रेरी सेक्शन में बहुत सारा कंटेंट मिल जाता है। वो सारा कंटेंट भी आपने अगर कंप्लीट कर लिया तो मोर देन इनफ है, इतना ही अच्छे से कर लोगे आपके सब्जेक्ट पर कमांड हो जाएगी। मतलब ये है कि किताबों के पीछे नहीं जाना है, आप लोगों को थोड़ा सा ऑनलाइन प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है क्योंकि एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन होती है, और जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती है दोस्तों उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से किस सवाल को डील करना होता है, कौन से सवाल में क्या अप्रोच हम लोगों को लगानी होती है। ठीक है, तो अगर आप सब्जेक्ट को स्ट्रांग करते, बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी है, सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे, डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे, और सिलेबस में देखो ऐसा नहीं कि परसेंटेज अगर हम पढ़ रहे तो परसेंटेज ये वाली किताब में से भी पढ़ेंगे, इसमें से भी पढ़ेंगे, इसमें से भी पढ़ेंगे, वो परसेंटेज ही पढ़ते रह जाओगे। एक कोई भी किताब अगर आपको किताब अच्छा ही लगता है, आप नहीं सुन रहे कि नहीं सर हम तो किताब में से पढ़ते बचपन से आदत है, तो कोई एक बुक फॉलो करेंगे केवल उसी को कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे।
वैसे किताब की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर आप कोई कोर्स एनरोल करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है दोस्तों कि एक बार अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके से सवालों को डील करना होता है। एक बार अच्छे से कोर्स कंप्लीट करो, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके पास कंटेंट भी है, अप्रोच भी है, बस अब आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस के साथ साथ मॉक टेस्ट लगाएंगे, आप इस सब्जेक्ट पर आराम से 3 से 4 महीने के अंदर कमांड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो 2024 के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है और चाहता है कि सर हम एक कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए 2 ऑफर्स हैं यहाँ पर। एक है बैंक महापेक, जिस पर अभी आप लोग एनरोल करते हैं तो आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, और इस महापेक में आप लोगों को IBPS, SBI, RRB, LIC, RBI, NISCL, FCI, SIDBI, NABARD, IDBI, प्रीमेंस सारे कोर्सेस मिल जाते हैं। मतलब एक साल के लिए बैंकिंग वाला पे जितने भी कोर्सेस होते हैं सारे कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है। साथ ही उस बैच में आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कॉन्टेंट मिल जाता है। मतलब इतना सारा कंटेंट मिल जाता है, इतना सारा कंटेंट मिल जाता है कि अगर वो कंटेंट आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। वहीं अगर आप लोगों का टारगेट है कि सर हम लोगों को 2025 के एग्जामिनेशन को भी कवर करना है तो आप बैंक महाविश्वास पैक में एनरोल कर सकते हैं। अब बैंक महापैक और महाविश्वास पैक में क्या डिफरेंस है ये समझ लेते हैं। बैंक महापैक 1 ईयर कोर्स होता है दोस्तों, जिसमें आपको सारे बेचेस का एक्सेस मिल जाता है, और बैंक महाविश्वास पे 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता है और ये 2 साल के लिए आपके लिए वैलिड होता है। 2 साल के लिए जितने भी बैचेस, जितने भी कोर्सेस होंगे बैंकिंग वाला पर, सारे कोर्सेस का एक्सेस आप लोगों को मिल जाता है, और अभी फिलहाल इस पर भी आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि सर आज से हम लोग तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप एनरोल कर सकते हैं, आज ही से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि एक बार आपका जब कोर्स कंप्लीट होता है उसके बाद प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ मिल जाते हैं, वहीं से आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, मतलब भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम सिस्टमेटिक तरीके से हम सारी चीज़ों को कंप्लीट कर रहे होंगे बिना किसी डाइवर्जन के, मतलब कोई डाइवर्ट नहीं होंगे, सारी चीज़ें यहीं पर मिल जाएगी, यहीं पर आपको तैयारी करनी है, यहीं से आप सिलेक्शन लेकर अपनी लाइफ को आगे की ओर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अपना कंप्लीट सेशन। इसके साथ ही कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि सर हम लोगों ने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, अब हम चाहते हैं केवल प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों डेली हम लोगों का YT सेशन होता है 8 PM पर, डेली यहां लिख लेते हैं, डेली YT सेशन होता है 8 PM पर होता है ये, जहां पर आप मेरे साथ रेगुलर क्वांट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 8 PM पर YT सेशन होता है जो एकदम फ्री है, तो जो बच्चे रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो 8 PM बैंकिंग वाला चैनल पर ही आपको एक क्लास मिल जाएगी, क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल कंसिस्टेंट रहेंगे, रेगुलर रहेंगे, डेडिकेशन है, 2024 में सिलेक्शन ले लेंगे। 2 चीजें बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपका डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप इस क्लास में आ गए, 8 PM वाली क्लास में आ गए और कंसिस्टेंट रहते हैं तो 2 से 3 महीने के बाद आपको अपने अंदर सब्जेक्ट को लेकर डिफरेंस दिखने को मिल जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कितना आपका इंप्रूवमेंट हो चुका है, और एक कॉन्फिडेंस अंदर से निकल जाएगा, और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप सारे एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन दे रखे सारे के सारे एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का अपना सेशन, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं क्लासेस के अंदर, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।